नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। और इस टॉपिक का आज मुख्य उद्देश्य है कि कुछ चीज़ों के बारे में बात करना जो हमारे दिमाग में बचपन से जो है गलत बिठा दी गई है। अब जैसा पहला ही अगर हम कहावत देखें कि पैसा बुराई की जड़ है दोस्तों, जबकि एक्चुअल में पैसे का अभाव ही बुराइयाँ देता है। क्योंकि जब पैसा नहीं होता तो अगर हम बात करें उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है, इससे निरक्षरता आती है, सांप्रदायिकता इससे जो है बढ़ती है। और अगर हम इसके गहराई में जाएं तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है गरीबी होती है। इसका मतलब मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि गरीब लोग ही गलत काम करते हैं, बल्कि मेरा ये कहना है कि इन सब से बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, अनपढ़ता और ये जो है ऐसे लोग जो है आतंकवादी के जो है शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। अगर हमने कश्मीर में देखा हो तो वहां पे जो पत्थर जो बाज थे वो कौन लोग थे? सिर्फ 500 रुपए के पीछे अपनी सेनाओं के ऊपर जो है पत्थर फेंक रहे थे। अभी हमारे जो है बिहार के अंदर एक बीमारी बड़ी बुरी तरह आई और ज्यादातर अगर उस बीमारी के बारे में देखा तो ये पाया गया कि ये ज्यादातर जो बच्चे मर रहे थे उस बीमारी के कारण वो लोग थे जो गरीबी रेखा से नीचे थे। क्योंकि तो साफ सफाई ना करना, अपने आसपास जो है कूड़ा करकट इकट्ठा करना, क्योंकि ये चीजें इन्हीं चीजों को जो है जन्म देती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा भारत सुखी रहे, स्वस्थ रहे और बहुत मजबूत देश बन के रखे तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मेहनत करके इसका निर्माण करना है। आज लोग जब पैसा नहीं होता तो उन चीजों की भी कटौती कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अभी मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें नकदी की भारी कमी आ जाती है, तो उसने अपना जो 29वीं मंजिल का जो ऑफिस है उसके लिए एस्केलेटर और एसी बंद कर दिए, हीटर को बंद करने का ऑर्डर दे दिया, मीटिंग्स जो शाम को होती थी उनको बंद कर दिया, भर्ती बंद कर दी पैसे की कमी के कारण, और साथ ही साथ जो फाउंटेन्स जो है रिसेप्शन में जो होती थी उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों ये क्या चीजें थी? जिस समय इनको बंद करना चाहिए था उस समय हम बंद नहीं करते, और जब बिल्कुल ही हम हमारे पास कोई हथियार नहीं रहता तो हम इसको कोशिश करते हैं कि खर्चे जो हैं वो कम किए जाए। फ्रेंड्स, ये चीज कि पैसा बुराई की जड़ है या पैसे से ही ज्यादातर बुराइयां आती हैं, ऐसा नहीं है। पैसे की कमी से ही आती है, क्योंकि लैक ऑफ पैसा नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो उन्हें ज्ञान नहीं होगा, उन्हें ये नहीं पता होगा कि कौन सी चीज उनके फायदे में है या कौन सी चीज फायदे में नहीं है। अभी कल ही इंडियन आइडल जब मैं देख रहा था दोस्तों, तो उसमें एक ऐसा कलाकार आया बच्चा जो जिसने इंडियन आइडल जीता था, और जीत उस पर इतनी हावी हो गई कि उसने अपनी स्किल को इम्प्रूव करने की बजाय नशा लेना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, पैसा आपको थोड़े समय के लिए खुशी दे देगा, मगर जब आप स्किल सीखते हैं, जब आप लगातार सुधार के लिए उस पैसे को खर्च करते हैं, तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत बढ़िया हों। धन्यवाद, फ्रेश है, आपको ये पसंद आएगा।